हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 17A का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट ब्लेड एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्लेड एंगल एट द हब इज कंसिडर्ड टू बी लोवेस्ट मास्टर स्टेशन वैल्यू एंड हाइएस्ट। तो यार, ये हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी ब्लेड है उसका हब के पास जो एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर, और जैसे जैसे हम टिप की तरफ जाएंगे तो उसका जो ब्लेड एंगल होगा वो कम होता जाएगा, राइट। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारी जो ब्लेड का जो ब्लेड एंगल है वो हब के ऊपर ग्रेटेस्ट मिलेगा, हब के नियर बाई, हब के नज़दीक जो ब्लेड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लेड टिप। ब्लेड टिप पे सबसे कम हमारी ब्लेड का एंगल होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्पिनर इज अप्लाइड टू ए प्रोपेलर टिप वर्टेक्सेस, ए स्ट्रीमलाइन कवरिंग ओवर द प्रोपेलर हब, एन एरोबेटिक मैन्यूवर। सो स्पिनर क्या है ये आप सब लोगों को पता है, मान लो कि ये हमारा इंजन है और इसमें आगे ये हमारा प्रोपेलर की ब्लेड्स हो गई, ये हमारा हब हो गया, उसको कवर करने के लिए एक कवरिंग जो है दिया हुआ है लाइक दिस। ये हमारा स्पिनर होगा जो हमारा प्रोपेलर का हब जो है उसको कवर करता है। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्ट्रीमलाइन कवरिंग ओवर द प्रोपेलर हब, राइट। ये हमारी ब्लेड्स होंगी यहाँ पे, राइट। सो ये हमारा हब होगा, तो इसको कवर करने के लिए टू मेंटेन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर हेयर ये स्पिनर दिया हुआ है, राइट। सो ये कवरिंग है जस्ट और कुछ भी नहीं है जो कवर करती है हमारे हब को। सो हेयर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एरोडायनेमिक ब्रेकिंग प्रोपेलर गोज थ्रू द फीदर्ड पिच पोजिशन टू एक्ट एज ए ब्रेक, the coarse pitch position to act as a brake, the fine pitch position to act as a brake। तो यहाँ पे ब्रेकिंग से हम बात कर रहे हैं एरोडायनेमिक ब्रेकिंग की, एरोडायनेमिक ब्रेकिंग की। एंड एरोडायनेमिक ब्रेकिंग होगी जब हमें रिवर्स थ्रस्ट मिलेगा, राइट। रिवर्स थ्रस्ट हमें मिलेगा देन हमारी एरोडायनेमिक ब्रेकिंग होगी। और रिवर्स थ्रस्ट हमें कब मिलेगा, जब हमारा एयर फ्लो स्ट्राइक करेगा ब्लेड के पीछे की साइड। मींस क्या, जब हमारा जो प्रोपेलर की जो ब्लेड्स हैं वो फाइन पिच पोजीशन में होंगी, फाइन पिच पोजीशन की तरफ रहेंगी, एंड हमारा नेगेटिव जब एंगल ऑफ अटैक रहेगा हमारी प्रोपेलर की ब्लेड्स का, देन What will happen? जो एयर फ्लो आएगा वो पीछे की तरफ स्ट्राइक करेगा और रिवर्स थ्रस्ट जनरेट होगा एंड फाइनली एरोडायनेमिक ब्रेकिंग होगी। सो हेयर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, हमें फाइन पिच पोजिशन चाहिए टू एक्ट एज ए ब्रेक, और यू कैन से एरोडायनेमिक ब्रेकिंग। सो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। So our next question is, a propeller mounted forward of the engine is known as hydromatic propeller, a tractor propeller, a pusher propeller. So in the propeller configuration we have discussed the configurations of propeller, वहाँ हमने discuss किया था tractor propeller configuration को, जिसमें हमने क्या बताया था, उसमें हमने बताया था जब हमारा propeller आगे की तरफ अगर है, अगर आगे की तरफ माउंट है, देन दैट विल बी द ट्रैक्टर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये हमारा एयरक्राफ्ट हो गया और इस तरफ हमारे एयरक्राफ्ट का फेस है, ये हमारा प्रोपेलर है, ये विंग है, विंग के ऊपर हमारा इंजन माउंट है, देन दिस विल बी द ट्रैक्टर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट अगर हमारा है देन उसमें भी ये हमारा प्रोपेलर आगे हो जाएगा, देन दिस विल आल्सो ए ट्रैक्टर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बात करें पुशर की, तो पुशर में अपोजिट, अगर पीछे की तरफ हमारा प्रोपेलर माउंट है
then that will be the pusher configuration. So here in this question, ये बोल रहा है कि a propeller mounted forward of the engine, then it will be a tractor configuration. So option B will be the correct answer. So next question is, the purpose of using reverse pitch propeller is to provide aerodynamic braking, allow aircraft to taxi backwards, reverse the direction of rotation of propeller. So अभी हमने last to last question हमने discuss किया था, उसमें हमने aerodynamic braking को discuss किया था और हमने बताया था reverse thrust होगा तो हमें aerodynamic braking मिलेगा. And तो similar question यहाँ पे दिया हुआ है और option A will be the correct. और मुझे नहीं लगता इसको हमें थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, एरोडायनेमिक ब्रेकिंग. जब रिवर्स पिच प्रोपेलर होगा तो हमें एरोडायनेमिक ब्रेकिंग मिलेगा. ऑप्शन नंबर ए इसका, रिवर्स पिच प्रोपेलर का एरोडायनेमिक ब्रेकिंग. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द इंजन स्टेशनरी the indication that propeller is in ground fine pitch is blade and spinner marking align, okay, below stop working light on, fine pitch flight fine pitch stop lever withdrawn. So here option A will be the correct answer. और इसमें जब हमारा इंजन जो है वो बंद रहता है, ऑन ग्राउंड रहता है, स्टेशनरी हमारा इंजन है और आवर एयरक्राफ्ट इज़ ऑन ग्राउंड और बंद है, देन क्या होगा कि जो हमारे जो प्रोपेलर होगा वो फाइन पिच पोजीशन में रहेगा. फाइन पिच पोजीशन में हमारा प्रोपेलर की ब्लेड्स रहेंगी. एंड इन दैट केस क्या होगा, मान लो कि ये हमारा स्पिनर है और ये हमारे प्रोपेलर की ब्लेड्स हैं, राइट. देन यहाँ पे जो अलाइनमेंट होगी, जो मार्किंग होगी वो मैच होगी, ताकि हमें पता लग सके कि यार हाँ हमारा प्रोपेलर है वो फाइन पिच पोजीशन में है. ब्लेड और जो स्पिनर के ऊपर मार्किंग होगा, हमें हम मेनली रेड मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पे रेड मार्क कर देते हैं कि हाँ भाई ये आप, इससे आप ड्यूरिंग जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ये फाइन पिच पोजीशन में हमारा प्रोपेलर है. सो ऑन ग्राउंड जब हमारा इंजन बंद रहेगा, हमारा एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड है, देन फाइन पिच प्रोपेलर में है कि नहीं ये पता करने के लिए यहाँ पे ये अलाइनमेंट जो है ब्लेड के साथ में इस रेड मार्किंग की होनी चाहिए. अगर अलाइनमेंट है देन इट मीन्स कि हमारा प्रोपेलर फाइन पिच पोजीशन में है. सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्मॉल होल्स एट द टिप ऑफ वुडन प्रोपेलर्स, ड्रेनेज, बैलेंसिंग, प्रोवाइड पॉइंट यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. सो हेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. जो हमारे वुडन प्रोपेलर हैं उनमें ड्रेन होल्स दिए हुए होते हैं और जो ड्रेन होल्स हैं वो कोई वाटर ट्रैप अगर उसमें हो जाए देन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से भी और जैसे ही जो भी हमारा पानी वगैरह उसमें जाएगा वो वहाँ से ड्रेन हो जाएगा. सो मेन पर्पज़ ऑफ उनका जो हॉल्स हैं उनका जो मेन पर्पज़ है वो है ड्रेनेज का. ये हमने डिस्कस भी किया था हमारी वीडियोस में. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ड्रेनेज हेयर. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच टाइप ऑफ टर्बो प्रोपेलर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ए पार्किंग ब्रेक. ओके, सो ये पार्किंग ब्रेक की बात कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर वन इज द कंपाउंडेड ट्विन स्पूल, डायरेक्ट कपल्ड ट्विन स्पूल, फ्री टर्बाइन. सो पार्किंग ब्रेक ऑन ग्राउंड हमारा एयरक्राफ्ट है और अगर हमारा इंजन जो है वो शट डाउन है और उसमें उसके बाद भी आपको जो है प्रोपेलर की जो पार्किंग ब्रेकिंग अगर चाहिए देन इट मीन्स कि आपका जो प्रोपेलर है वो फ्री टर्बाइन इंजन आपका है और उसमें उसके लिए आपको जो है एक ऑन ग्राउंड जो है पार्किंग ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी. कंपाउंड में भी आपका जो है लिंक रहता है साफ वगैरह से, डायरेक्ट कपल में भी होता है. फ्री टर्बाइन में आपका प्रोपेलर है टू प्रिवेंट अवर प्रोपेलर टू रोटेट ऑन ग्राउंड व्हेन अवर इंजन इज शट ऑफ. इन दैट केस हमें पार्किंग ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है. सो हेयर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द प्रोपेलर इज फीदर्ड व्हेन द ब्लेड्स आर एट 0 degree टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, 20 degree टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, 90 degree टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. सो हेयर टू अंडरस्टैंड द फीदरिंग पोजिशन, सपोज दिस इज अवर स्पिनर, दिस इज अवर हब एंड हेयर आर अवर ब्लेड्स, राइट. जब हमारा एयरक्राफ्ट, जब इंजन हमारे एयरक्राफ्ट का स्टार्ट है, प्रोपेलर रोटेट कर रहे हैं, देन हमारी प्रोपेलर की जो ब्लेड्स की जो एंगल होगा, जो पिच होगी, वो कुछ पिच होगा उसका, राइट. और यहाँ से हमारा एयर फ्लो आ रहा है, राइट. ये बात कर रहा है फीदर पोजीशन का. जब हमारा इंजन फीदर हो गया देन क्या होगा, जब आपका इंजन फीदर्ड होगा देन व्हाट विल हैपन. अगर आपने, आपको क्या चाहिए, जो एयर फ्लो आ रहा है वो एयर फ्लो आपकी ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा, मींस इंजन बंद हो गया, आपने फीदर किया है इंजन, मतलब इंजन शट डाउन हो गया है, देन जो एयर फ्लो आ रहा है वो आपकी ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा. और आपकी ब्लेड का ऑलरेडी एक एंगल है, पिच है, ठीक है. देन व्हाट विल हैपन, वहाँ से दैट विल क्रिएट ए ड्रैग, ये ड्रैग क्रिएट करेगा. और ड्यू टू दिस मे बी आपका प्रोपेलर जो है, एयर फ्लो आ रही है उससे रोटेट करे, एक ड्रैग जो है फील होगा आपकी प्रोपेलर की ब्लेड्स के ऊपर, एक फोर्स लगेगा एक इनकमिंग एयर फ्लो का. टू प्रिवेंट दैट ड्रैग, आपको आपकी प्रोपेलर की जो ब्लेड्स हैं उनको एयर फ्लो के प्लेन में लेके आना है, राइट. सो ये हो गया आपका प्लेन ऑफ रोटेशन और ये हो गया आपका एयर फ्लो का प्लेन. देन व्हाट विल हैपन, आपको 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन आपको आपकी एंगल चाहिए आपकी ब्लेड्स का. जब आपकी ब्लेड्स का जो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा टू द प्लेन ऑफ द एयर फ्लो, देन मिनिमम ड्रैग लगेगा इनकमिंग एयर फ्लो का आपके प्रोपेलर के ऊपर. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 90 डिग्री टू द प्लेन ऑफ रोटेशन. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लो टॉर्क सेंसिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज पावर, इंक्रीज पिच, इनिशिएट ऑटो फीदर. सो हेयर बात आती है टॉर्क सेंसिंग की और बात आती है आरपीएम गवर्नर की. जब हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, प्रोपेलर रोटेट कर रहा है, इन दैट केस आरपीएम ड्रॉप होगा, टॉर्क ड्रॉप होगा, उसके हिसाब से हमारी ब्लेड्स का जो पिच एंगल है वो भी चेंज होता रहता है, राइट. एंड जब हमें ये फील होगा कि जो आरपीएम गवर्नर है और जो हमारा टॉर्क सेंसिंग यूनिट है, जब उनको ये फील होगा कि ये ड्रॉप आ गया, ज़्यादा हमारा आरपीएम ड्रॉप हो रहा है, और यू कैन से मान लो कि अगर हमारा टॉर्क ड्रॉप हो रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा एयरक्राफ्ट ऑटो फीदर हो जाएगा, मैनुअल फीदर करने की ज़रूरत नहीं है हमारा इंजन को, इंजन फीदर हो जाएगा. सो इंजन है वो हमारा ऑटोमेटिकली फीदर हो जाएगा, ऑटो फीदर हो जाएगा. जब हमारा टॉर्क ड्रॉप होगा या आरपीएम ड्रॉप होगा, देन ऑटोमेटिकली आवर इंजन विल ऑटो फीदर. सो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, टू इनिशिएट ऑटो फीदर. ठीक है, ये सेंसिंग यूनिट लगी होती हैं, वो आरपीएम को सेंस करती हैं, टॉर्क को सेंस करती हैं, उसके हिसाब से ही हमारी ब्लेड्स का जो पिच एंगल है वो चेंज होता रहता है, राइट. सो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लेन ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द प्लेन इन विच थ्रस्ट फोर्स एक्ट, द प्लेन इन विच द प्रोपेलर रोटेट्स, द एंगल एट विच द ब्लेड्स स्ट्राइक द एयर फ्लो. सो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सभी को इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है.
जो हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन होगा वो वही प्लेन रहेगा जिस प्लेन में हमारी प्रोपेलर की जो ब्लेड्स हैं, जो हमारा प्रोपेलर है वो रोटेट करता है, वही हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन रहेगा। लाइक ये हमारा स्पिनर हो गया, ये हमारा हब हो गया, ये हमारे प्रोपेलर की ब्लेड्स हो गई हैं। सो दिस इज़ द प्लेन ऑफ रोटेशन, राइट। सो दिस इज़ द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड जिसमें हमारी प्रोपेलर रोटेट करता है वो हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए राइट हैंड प्रोपेलर रोटेट्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द रियर, इज ऑलवेज फिटेड टू द स्टारबोर्ड इंजन, रोटेट्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। ओके, सो हमें प्रोपेलर की, प्रोपेलर हमारा राइट हैंड है कि प्रोपेलर हमारा लेफ्ट हैंड है, वो हम ऑलवेज व्यू करेंगे रियर से। और रियर से क्यों व्यू करेंगे, लाइक ये हमारा एयरक्राफ्ट है एंड सपोज करो ये हमारी विंग है और विंग माउंटेड इंजन से हमारे यहाँ पे मान लो कि हमारे प्रोपेलर्स हैं, राइट, विंग माउंटेड इंजन से यहाँ पे हमारे प्रोपेलर्स हैं। सो इन दैट केस क्या होगा, हम एक रेफरेंस लेते हैं पायलट का, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हेयर इज आवर पायलट, राइट। तो अगर ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज एज व्यूड फ्रॉम द रियर, एज व्यूड फ्रॉम द पायलट, उसको पीछे से देखेगा कि हाँ यार ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में रोट कर रहा है। सो बोथ आर आवर राइट हैंडेड प्रोपेलर, राइट। उसमें कोई भी स्टारबोर्ड का, पोर्ट का ये कुछ नहीं होता, उसमें होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एज व्यूड फ्रॉम द रियर, ऑलवेज रियर से हम व्यू करेंगे, एयरक्राफ्ट के रियर में खड़ा होकर हम देखेंगे कि हमारा प्रोपेलर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है देन इट विल बी द लेफ्ट हैंड प्रोपेलर, अगर क्लॉकवाइज कर रहा है देन इट विल बी द राइट हैंड प्रोपेलर। सो हेयर ये पूछ रहा है राइट हैंड प्रोपेलर, सो इट विल रोटेट्स क्लॉकवाइज एज व्यूड फ्रॉम द रियर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोपेलर टॉर्क इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्रोपेलर टू फीदर चेंजिंग पिच और रोटेट। सो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्रोपेलर टू रोटेशन, वो रोटेशन को रेजिस्ट करेगा, दैट इज टॉर्क। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एफेक्टिव पिच इज डिस्टेंस मूव्ड इन वन रिवोल्यूशन, ओके, ज्योमेट्रिक पिच प्लस स्लिप, ओके, पिच मेजर्ड एट द मास्टर स्टेशन। सो अफेक्टिव पिच क्या होगा, अफेक्टिव पिच हमारा होगा द डिस्टेंस मूव्ड इन वन रिवोल्यूशन, ये हमारा प्रोपेलर है, जब हमारा प्रोपेलर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके यहां आ गया, एक्चुअल में ये यहां आ गया, दैट विल बी द अफेक्टिव पिच, राइट। ये इफेक्टिव पिच है, इसमें हम स्लिप का भी डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिक पिच का भी इसमें हम डिस्कस करते हैं। बात करें अगर ज्योमेट्रिक पिच की, तो यार ज्योमेट्रिक पिच जो है वो उसमें थोड़ा बहुत स्लिप होता है, इफेक्टिव पिच है कि एक्चुअली आपका प्रोपेलर जो है, आपका एयरक्राफ्ट जो है, जब हमारे प्रोपेलर ने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो वो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डिस्टेंस मूव्ड इन वन रिवोल्यूशन, राइट। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पर्पज ऑफ ब्लेड ट्विस्ट इज टू, यार ये क्वेश्चन बहुत, हमने इसका एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है और काफ़ी बार ये हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये, आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सो द पर्पज ऑफ ब्लेड ट्विस्ट इज टू रिड्यूस एंगल ऑफ अटैक एट द ब्लेड रूट टू इंश्योर दैट टिप स्पीड डज नॉट गो फास्टर देन मैक वन टू इवन आउट द थ्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द प्रोपेलर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। इवन करना है हमें थ्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को, लाइक
एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारा हब है और ये हमारी प्रोपेलर की ब्लेड है, राइट। अब क्या है, अगर हम थ्रो आउट सेम अगर एंगल रख दें, पिच एंगल जो हमारी ब्लेड का, अगर हम उसमें ट्विस्ट ना दें, अगर थ्रो आउट सेम पिच रखें हमारी ब्लेड का, देन क्या होगा, प्रोपेलर रोटेट करेगा। अब प्रोपेलर रोटेट कर रहा है तो ये एरिया का जो रोटेशनल स्पीड होगी वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू यहाँ वाले एरिया की। भाई ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कम्पेयर टू दिस, राइट। सो इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी। अगर स्पीड ज़्यादा है देन लिफ्ट और यू कैन से थ्रस्ट जनरेशन जो होगा वो टिप पे ज़्यादा हो जाएगा और रूट पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अन ईवन थ्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारी प्रोपेलर ब्लेड पे। उसको कम करने के लिए क्या सोचा गया कि अगर थ्रस्ट को इक्वल करना है तो पिच को क्यों ना हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें पिच को कि थ्रस्ट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारी प्रोपेलर ब्लेड के ऊपर। देन क्या किया गया, नियर द हब जो पिच एंगल है उसको ज़्यादा रखा गया कि इसकी स्पीड, रोटेशनल स्पीड कम है तो इसका पिच एंगल, पिच ज़्यादा कर देते हैं, इसकी रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है तो इसका पिच कम कर देते हैं। और ऐसे सेट किया गया कि इवन थ्रस्ट जो है वो एक्ट होगा हमारी प्रोपेलर ब्लेड के ऊपर, थ्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन होगा थ्रू आउट द ब्लेड। सो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।